अब आज आप बहुजन सम्मान महा सभा में आए हैं और क्या लगता है कि इतना विशाल कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज हो रहा है और दूसरी तरफ बहन जी का और समाजवादी और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इन दोनों कार्यक्रमों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो बहन जी ने पैक किया है वो वर्ल्ड के अंदर अपने आप में एक संदेश जा रहा है। राम जीवन पौत जी और आज के समय में बहन जी एक बार देश के लिए प्रधानमंत्री होना अनिवार्य है। आज जिनके चेहरे मुरझाए हुए थे, वो चारों तरफ से ये नजर रख रहे थे कि बहन जी और बहुजन समाज के हमारे लीडर क्या कर रहे हैं। जैसे ही इस समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों को ये जानकारी लगी कि आज बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती और समाजवादी पार्टी के सम्मानित आदरणीय अखिलेश जी अध्यक्ष जी का पैक हुआ, इससे ये संदेश पूरे बहुजन समाज के लोगों को में बीच में गया कि अब दिल्ली में 2019 की प्राइम मिनिस्टर की बहन जी से दूर नहीं है, बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी जी। जहाँ तक शहीदों के सम्मान की बात है, शहादत जिन्होंने दी 2 अप्रैल में, उनका आज इस प्रकार सम्मान किया जाना देश के लिए बहुत ही, हमारे बहुजन समाज के लिए अनुकरणीय कार्य है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम होने से सम्मान होता है और देश के जो नौजवान साथी हैं उनकी मन में ये प्रेरणा आती है कि देश के प्रति सबसे बड़ा अगर कोई त्याग सम्मान और अपने प्राणों की आहुति जैसे पूर्व में देश आजाद होने से पहले लगाता रहा है, ऐसे ही आज भी देश की, अपने समाज की आन शान और बान के लिए कुर्बान होने में अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है, इसमें मैं प्रोग्राम जो हमारे आयोजक मंडल है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और पुनः ये उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज अपनी एकता का परिचय देते हुए एक बार होकर 2019 में अपना बहुजन समाज के अपने जो नेता है उनके लिए वो करें। और मैं संता सिंह आवाज जो हमारी हमारा समाज को जागृत कर रहे हैं, समता जन आवाज, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई अश्विनी जी अपने कार्यक्रम को समाज को जागृत करने के लिए करते रहेंगे। शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।